ओए होए 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 भाई साहब, अलग ही चीज लग रही है यार ये तो। तो आइए चक्के देखते हैं कि कैसा है मामला। हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त उदित बत्रा, चैनल भुक्कड़ बाय वर्ष से। और आज आपके लिए लेकर आए एक बड़ी स्पेशल, जिसको कहते हैं ना रेसिपी। अभी दिखाता हूँ इंग्रेडिएंट, समझ जाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कीमा चिकन की। बड़ी फेवरेट डिश है मेरी। और ये जो है ना, ये मिलती है अपना अशोक मीट वाला करके, है हमारे यहाँ मीराबाग दिल्ली में एक करके, उनकी बड़ी फेमस है और भाई सब लाइनें लगती हैं। तो अब ये कोरोना की वजह से खा नहीं पा रहा था, मैंने कहा चलो बना के देखते हैं और रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने 4 पीस चिकन लेग। ये बनाया हमने 4 मीडियम प्याज का पेस्ट, 2 मीडियम टमाटर का पेस्ट, 200 ग्राम चिकन कीमा बॉईल किया हुआ, 5 चम्मच दही, 2 चम्मच देसी घी, आधा कटोरी ऑयल, 1 चम्मच केवड़े का जल, अदरक लहसुन का पेस्ट, मीट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 2 दाने लौंग और 4 दाने काली मिर्च, चक्रफूल, जावित्री और जायफल, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा तेजपात का पत्ता, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आखिर में 1 चम्मच लाल मिर्च। तो जी सबसे पहला स्टेप है हमारा मुर्गे को बनाने से पहले, मुर्गे को जो है बिंदिल बिस्टिक लगाना, नहीं बिंदिल बिस्टिक नहीं, दिस इज मोर ऑफ अ कंटूर मेकअप। तो मतलब इसके अंदर तक मसाले को पहुंचाना ताकि स्वाद जो है अंदर तक आ सके, जैसे कि मैरिनेशन भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैं डाल रहा हूँ अपना मुर्गा एक बड़े से डब्बे में, ताकि मैरिनेशन जो है हम कर सकें इसके अंदर में। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैरिनेशन में आती है जी दही। ये मैंने ली 5 चम्मच के करीब की दही, पूरे 5 चम्मच दही। इसमें मैंने डाला आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये जी सारा सामान हमारा इसमें पै गया है। और हमने जो है अब इसके साथ इसकी कर देनी है तेल मालिश। चिकन को जो है अच्छे से मिक्स कर देना है इस सामान के साथ, सामग्री के साथ सारी। और इसको कश्मीरी लाल मिर्च के साथ में मिक्स कर देंगे, हल्का हल्का रंग आ जाएगा इसके अंदर में। और मैरिनेट करके चिकन को जो है करीब करीब 50 मिनट तक आपने रख देना है, ताकि ये सभी मसाले जो हैं ये चिकन के पीस के अंदर तक पहुंच जाएं और आपको स्वाद बेहतर आए। हाँ जी, तो चिकन की जो है हमने मालिश करके बढ़िया से मसालों से उसको रख दिया है फ्रिज के अंदर। उसको छोड़ेंगे करीब 30 से 50 मिनट, 50 मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज। और अब आगे बढ़ते हैं ग्रेवी का बनाने का मामला थोड़ा सा शुरू करते हैं, चिकन को बाद में कैच ऑन कर लेंगे। तो लो जी, कढ़ाई हमने चौके चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है अपन ने तेल। तेल माड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें जो है अपना प्याज वगैरह, प्याज और कीमा जो है उसे भूनना शुरू करेंगे, ताकि बढ़िया सी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस को अच्छा सा आगाज दे सकें। तो ये डाल रहे हैं जी हम अपना 4 प्याज का पेस्ट इसके अंदर, और इसको जो है चलाना शुरू कर देंगे। और तब तक चलाते रहना है इसको जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। रंगत बदलनी हल्की हल्की शुरू हो गई है प्याज की, पर हमें फिर भी जो है अभी जल्दी से गीला पानी मारना है और इसको अच्छे से पकने देना है। ये सारी जो प्रिपरेशन है हमारे प्याज को जो है पकाने की, हमें मीडियम फ्लेम पे गैस को रखना है और हौली हौली इसको पकाना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं करीब करीब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच हमने लिया था मैरिनेशन में चिकन की, 1 चम्मच हमने हमारी ग्रेवी में भी डालना है जी। यही तो है जो स्वाद लाता है आपकी ग्रेवी में। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
एक चम्मच नमक, एक तेजपात का पत्ता, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची और ये है चतुरफूल और जायफल और जावित्री, और इसको अब भूनना शुरू करेंगे। तो ये मैंने जो है इसमें हमारे प्याज वाले मिक्सचर में हमारा चिकन का कीमा जो बॉईल किया था 200 ग्राम उसको भी डाल दिया और हल्का हल्का चलाना शुरू कर दिया है। अब बस इसमें थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी डालेंगे जो हमने प्रिपेयर करी है, और बस हो गया काम इसका, ग्रेवी तैयार है जी। लो जी, ये हमारा हो गया है मुर्गा मैरिनेट, और अब जो है इसको उठा के डालेंगे अपन सीधा कीमे के साथ और इसे पकाएंगे बढ़िया तरीके से। तो लो जी, अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारा चिकन, इसको डाल करके अब इसको पकाना शुरू करेंगे हिला हिला करके, ताकि चिकन जो है वो भी हल्का हल्का मसालों के साथ रम जाए और पकना जो है वो शुरू हो जाए। अब मतलब कतई चिरमची बन जाना है और इसको चलाई जाना है भाई साहब, मतलब रुकना ही नहीं है। देखिए, अब आपका कीमा जो है, प्याज व्याज जो है थोड़ा थोड़ा जो है पक चुका है सामान, अब आपके मुर्गे के पकने की बारी है, और उसको सही से पका लिया तो आप समझो आपका काम हो गया। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है छोटी है, अराउंड इसमें आधा किलो चिकन है और 250-300 ग्राम जो है कीमा है, तो चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, आई यूज़ टू बी अ वेजिटेरियन टिल आई वॉज वॉट 14-15 ईयर्स ऑफ एज, एंड नाउ आई एम क्लोज टू 25, जस्ट कम्प्लीटेड 25 द लास्ट मंथ, और अब मैं इतना बड़ा नॉन वेजिटेरियन हो गया हूँ कि मेरे को वेज खाना समझ ही नहीं आता यार। अब मैंने पकाना वकाना भी शुरू कर दिया है। एक वक्त होता था बचपन में जब मम्मी पापा ऐसी जगह पर खिलाने भी नहीं लेके जाते थे जहाँ पर नॉन वेज खाना बनता, और आज उनका लड़का देखो बदतमीज घर पर मुर्गे बना रहा है, वो छुप के कमरे में बैठे हुए कि कोई बदबू बदबू ना आए उनको, बट हाँ वो इन्जॉय करते हैं ये देख करके कि मैं खुद से एफर्ट करके कुक कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक बात होती है वेजिटेरियन की वो तो मोस्टली मम्मी बनाती है और उसमें तो मैं हिलता ही नहीं हूँ। अब इसमें किचन में खड़ा होकर थोड़ा पसीना लगा के मेहनत करके कुछ करता तो हूँ। अब टमाटर डालने की जो है ऑलमोस्ट बारी आ गई है, तो ये जो है मैंने 2 टमाटर की प्यूरी जो है उसको रेडी किया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था, अब मैं इसको इसमें डालने वाला हूँ। और इसको चलाना शुरू करें। नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ माय डिशेस व्हाट आई डू इज़ कि मैं जब टमाटर डालता हूँ ना उसके बाद हमारी डिश में नमक डालता हूँ उसको पकाने के लिए, बेटर करने के लिए, बट क्योंकि ये जो डिश है इन पर्टिकुलर ये पेशेंस वाली डिश है, इसको टमाटर जब मर्जी डालो पकने में 1-1.5 घंटा, कढ़ाई पे आपने मुर्गा पकाना है यार बिना किसी कुकर वुकर के तो टाइम तो लगना ही है, इसलिए मैंने नमक जो है उसको पहले ही डाल दिया था। अब आप इसको जो है बस फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दो और इसको पासे लगा दो बस, और चलाते रहो घंटे तक, ये धीरे धीरे अपने रंग में रंगत में आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि तेल जो है थोड़ा थोड़ा छूटना शुरू हो गया है, मतलब हमारा टमाटर जो है वो भी पकने लग गया है। ऐसा वक्त देख के अपना देसी घी वाला जो पानी है हमारा जिसमें हमने कीमे को उबाला था वो हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको ढक के रख देना है पकने के लिए। वो आ रहा ना कलर। हाँ जी, तो हाँ, तो क्या कर रहे हो यार, ये देखो आपके लेफ्ट में होगा लाइक का बटन, उससे थोड़ी नीचे होगा सब्सक्राइब का बटन, लाइक कर दो यार वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और उसके साथ में जो मंदिर का घंटा बना है ना उसे भी दबा दो यार, थोड़ी मदद आएगी छोटे भाई की। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हमारी आपको रेसिपी जो है वो कैसी लग रही है और क्या करके हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कौन सी रेसिपीज हैं जो आप देखना चाहेंगे हम बनाएं ताकि आप उन्हें ट्राई करके घर पर बना सकें। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है
ऑलमोस्ट जो है ये हो चुका है तैयार। अब इसमें बारी है छोंक लगाने की देसी घी का। और देसी घी के छोंक में और क्या क्या पड़ेंगी दो चीज़ें और, वो मैं आपको बताता हूँ छोंक को तैयार करते हुए। तो ये है जी, मैंने डाल दिया है देसी घी को छोंक मारने के लिए, रख दिया है। और ये मैं डाल रहा हूँ इसके साथ में सुहाना का, मेरे पास मीट वाला मसाला है ये। बोल दो, मैं चिकन बना रहा हूँ बट मेरे को मीट मसाला ज़्यादा पसंद आता है इस डिश में पर्टिकुलरली डालने में। और ये मैंने लिया काफ़ी सारी कश्मीरी लाल मिर्च। ये इतनी तेज़ मिर्च नहीं होती है, तो आप थोड़ी सी इसमें डालते हुए लिबर्टी ले सकते हो, ये रंगत का काम आपका ज़्यादा करती है। ये हमारा छोंका जो है ये हो चुका है रेडी। तो गैस को कर देते हैं बंद और इधर आ जाते हैं। तो ये लो जी, छोंका पांदा आ गया है टाइम एच। ओए होए स्वाद ही आ गया, मतलब खोलती आवाज आई ना। अब इसको घुमाओ, ये लाएगा जी आपके मुर्गे में असली रंगत। आपको भी छींके आ जाती है क्या वैसे, जब भी मसाले को ऐसे रंगत वंगत बनाते हो, छोंका बनाते हो? मेरी तो भाई साहब हालत टाइट हो जाती है। ओए होए 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 भाई साहब, क्या ही रंगत आई है, मतलब देसी क्यों ना, देख कमाल ही काटता है। तो यार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना, हालांकि मैंने अभी चखी नहीं है, पर इसकी खुशबू से पता चल रहा है कि आज पड़ोसी मांगने आ जाएंगे। तो ये देखो जी आप, कुछ इस तरह से बनता है उदित बत्रा का स्पेशल कीमे वाला चिकन। जी हाँ, ये है जी सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारी इस डिश का, क्योंकि इसमें हमने जावित्री, जायफल, स्टार अनीस जैसे जो हैं तेज तेज धुआंधार मसाले डले हैं। ये है केवड़े का जल, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आपने इसको डालना है। एक ढक्कन मैंने डाला है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मोर देन इनफ है पूरा किलो चिकन के हिसाब से। और इससे क्या होगा, ये लाएगा आपके सामान में खुशबू। जो हमने मसाले डाले ना डेयर डेविल टाइप के, इनकी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है ना, उसको दूर करने का ये काम करता है। फेफड़ों तो खुशबू आ गई भाई साहब, फेफड़ों तो ऐसे आई है, मतलब क्या बताऊँ, जैसे बला भी नहीं आती ना, रात को पीपल के पेड़ से भूतनी नहीं चिपड़ती हुई, जिस तरीके से खुशबू चिपड़ी है इससे। ओ भाई साहब, अब हम परोसने जा रहे हैं हमारे चिकन कीमा को, और एज अशोक मीट वाले भैया कॉल्ड इट कोरमा, जो कि मेरे को तो नहीं लगता है ये। ओए होए 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 भाई साहब, अलग ही चीज़ लग रही है यार ये तो। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, बनाने गया था कुछ और इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसा सही कुछ सामने आ जाएगा। ऐसी चीज़ें ना इंस्टाग्राम पे देखिए, फ़ोटो वोटो लोगों की, ऐसा खाना घर का बनाओ, मतलब आज तो ऐसा लग रहा है कि हाथ खाली होते तो अपने कंधे पे थपथपा देता तुम्हारा भाई। तो आइए चख के देखते हैं कि कैसा है मामला। वैसे क्या ही चखना, देख के पता चल रहा है कि गलत ही जमफड़ मामला है भाई साहब। मज़ा आ गया वैसे तो देखते ही भाई साहब, मतलब मैं तो कह रहा हूँ आत्मा तृप्त कर दी इस चीज़ ने, मेरे को बहुत मज़ा आया। आप भी घर पे जरूर बनाओ, साथ में चावल नहीं खा पाओगे, थोड़ी ग्रेवी कम है, रुमाली रोटी हो या ताजी ताजी ना तवे वाली रोटी हो जाए, भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपका दिन बन जाना है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और रेसिपी जो बनी वो कैसी लगी। तब तक मैं इसको करता हूँ ख़त्म, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी।